तो यार बहुत दिनों बाद ही अपने लॉन्ग वीडियो है और इस वीडियो में अपन बिना टाइम वेस्ट करे सीधे वीडियो के टॉपिक पे चलेंगे। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से जुड़े टॉप 10 बेस्ट डिलीटेड सीन और हिडन डिटेल्स के बारे में। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी अलग लग रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे सर्दी हो रखी है। तो यार क्योंकि आयरन मैन 1 मूवी पूरे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी थी तो मेकर्स ने इसे जितना ज़्यादा हो सके परफेक्ट बनाने की कोशिश की है और इसीलिए इसमें से बहुत सारे सीन्स जो कि मेकर्स को लगा कि बेकार है तो उन्होंने डिलीट कर दिए। अब वो सीन बेकार थे या नहीं थे ये आप लोग डिसाइड कर लेना। तो नंबर 1 पे हमारे पास एक डिलीटेड सीन है जो कि आयरन मैन 1 मूवी के बिल्कुल शुरू में आता है जहाँ टोनी स्टार्क को सस्ते 10 रिंग्स पकड़ लेते हैं और उससे मिसाइल बनाने के लिए बोलते हैं और टोनी स्टार्क को जय डॉक्टर साहब केव में बैठकर आयरन मैन का आर्क रिएक्टर और आयरन मैन का फर्स्ट सूट बनाते हैं। जहां एक डिलीटेड सीन ये भी था कि टोनी स्टार्क और ये डॉक्टर साहब बैठ के साइड में बोर्ड गेम खेलेंगे जहां फिर ये मोटा आतंकवादी आता है टोनी स्टार्क से बोलता है कि साले हमने मिसाइल बनाने के लिए बोला है तो ये क्या फालतू बकचोदी कर रहा है। और टोनी स्टार्क इस मोटे आतंकवादी को बोलता है कि भाई हम मिसाइल बना के बोर हो गए थे इसलिए थोड़ा बोर्ड गेम खेल रहे हैं। और बाद में ये मोटा आतंकवादी इन लोगों को ज्वाइन भी करता है, हालांकि तुरंत बाद यह टकला आतंकवादी से मार भी देता है। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास डिलीटेड सीन तो नहीं है लेकिन एक डिटेल जरूर है जो कि आयरन मैन 1 मूवी को जोड़ती है सीधी एवेंजर 1 मूवी से, क्योंकि आयरन मैन 1 मूवी का लास्ट वाला ये सीन देखो जहां स्टैन पेपर भाभी के पीछे भाग रहे हैं, मतलब भाग रहा है। और ये सीन एग्जैक्ट सिमिलर है एवेंजर 1 मूवी के इस सीन का जहाँ हल्क नताशा के पीछे भाग रहा है। भाई साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लो, दोनों सीन एक दूसरे से इतने ज़्यादा सिमिलर है, क्या बताऊँ कितने ज़्यादा सिमिलर है। तो नंबर 3 पे अपने पास एक और डिलीटेड सीन है जहाँ आयरन मैन आतंकवादियों को उड़ाने के बाद कोने में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर अचानक से पेपर पोर्ट्स आ जाती हैं और पेपर पोर्ट्स को टोनी की हालत देख कर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वो टोनी को एक पार्टी में ले जाती है जहाँ टोनी स्टार्क बहुत सारे फालतू लोगों से मिलता है और कुछ लड़कियों के साथ मजे करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उसका आर्क रिएक्टर देख कर डर जाती है। और नंबर 4 पे इसी के आगे का कंटिन्यूसली सीन है जहाँ पर आयरन मैन अपना आर्मर पहन के आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है और इसी के बाद हमें बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हालत में लहूलुहान आयरन मैन भी देखने को मिलता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ओके तो नंबर 5 पे मेरे पास कोई डिलीटेड सीन तो नहीं है लेकिन एक डिटेल ज़रूर है। अब वो डिटेल है भी या नहीं है ये आप लोगों को डिसाइड करनी है क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आयरन मैन 1 मूवी पूरे एमसीयू की फर्स्ट मूवी है तो इस मूवी से बहुत सारे सीन्स आने वाली मूवीज़ में उठाए गए हैं जहां एक सीन फाइनल बैटल के दौरान आता है जहां स्टैन चलती हुई बाइक को पकड़ के आयरन मैन के ऊपर फेंकता है और ऐसा ही सेम सीन हमें सिविल वॉर के अंदर भी देखने को मिला था जहां विंटर सोल्जर भी ऐसे ही एक बाइक को चलती हुई पकड़ लेता है, हालांकि किसी के ऊपर फेंकता नहीं है लेकिन उसके ऊपर खुद बैठ के चला जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे भी हमारे पास एक डिलीटेड सीन है जिस सीन में ओबडाई स्टैन के आर्मर को बनते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर स्टैन इस डॉक्टर को अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे वो आयरन मैन का आर्क रिएक्टर चुराने वाला है। अच्छा क्या डिलीट कर दिया साले को। Right above us, the answer, the source. That's why we're here. वैसे नंबर 7 पे भी एक डिलीटेड सीन है जहाँ मूवी के इस सीन में टोनी की जान बचाने के लिए रोडी कार लेकर ओबडाई स्टैन के पैर में घुस जाता है जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और टोनी वहाँ से बच के निकल जाता है और बाद में वो आके अपने दोस्त की जान भी बचाता है कार की छत फाड़ के। वैसे मूवी मेकर्स ने इस सीन को तो डिलीट कर दिया लेकिन वो यहाँ से इस कार को डिलीट करना भूल गए जो कि हमें ओरिजिनल कट में भी यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ जाती है। वैसे नंबर 8 पर कोई डिलीटेड सीन तो नहीं है लेकिन एक डिटेल जरूर है जहाँ फाइनल बैटल के दौरान ओबडाई स्टैन आयरन मैन को इस तरीके से उठा लेता है और ये चीज़ एग्जैक्ट कॉमिक्स से उठाई गई है जहाँ कॉमिक्स में भी एक बार आयरन मैन के साथ ऐसा हो चुका है और एक बार तो थैनोस ने उसके 2 टुकड़े भी कर दिए थे। तो यार नंबर 9 पे भी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिटेल है जिसे डायरेक्ट कॉमिक्स से उठाया गया था, बहुत सारे लोगों ने इसे मिस कर दिया था। तो मूवी के आखिर में आके कोल्सन आयरन मैन को बहुत सारे बहाने देता है कि कल रात को हुए हादसे को किस तरीके से टालना है और उसमें से एक बहाना होता है कि लोगों को बता दो कि ये आयरन मैन का सूट तुम्हारा बॉडीगार्ड है। और अगर आप कॉमिक्स की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत सालों तक टोनी स्टार्क ने आयरन मैन को अपने बॉडीगार्ड की तरह से प्रेजेंट किया था। तो यार अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसका मतलब है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप आयरन मैन के बहुत तगड़े वाले फैन हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ कर दो यार।
तो नंबर 10 पे भी हमारे पास एक डिलीटेड सीन है जहाँ फाइनल बैटल के दौरान पेपर पोर्ट्स आर्क रिएक्टर की पावर्स को बढ़ाकर स्टैन की ऐसी की तैसी कर देती हैं, और इसके बाद आयरन मैन और स्टैन दोनों ही एक साथ वहीं पे गिर जाते हैं, जहाँ स्टैन आयरन मैन को बोलता है कि बेटा प्लीज मेरे को हाथ दो और बचा लो, और हमारा भोले मन का टोनी स्टार्क उसे हाथ देकर बचा भी लेता है, जहाँ स्टैन इमोशनल होकर टोनी को बोलता है कि तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो। हालांकि तुरंत बाद आयरन मैन के आर्मर का हाथ खुल जाता है और स्टैन उस हाथ को लेकर नीचे गिर जाता है, और उसके बाद हमें ये ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी में भी रखा गया था। वैसे मेरे हिसाब से ये सीन मूवी में रखना चाहिए था क्योंकि ये हमें टोनी स्टार्क के एक इमोशनल एंगल को दिखाता है। वैसे ओवरऑल वीडियो को लेकर आप लोगों के मन में जो भी विचार है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।